अफान जल्दी नीचे आओ। क्या हो गया? अफान क्या हो गया क्या तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? मैनर्स भूल गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखलंदाजी करने की? मैं जिससे मर्जी शादी करूं, जिस मर्जी को तलाक दूं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो मुझे, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो अपनी हद में रहो। और तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या तुम्हारा मेरा लगाया हुआ है? वी आर फैमिली, भूल गए हो क्या? अरे बाहर में गई फैमिली। तुमने और एनी ने आयमा से बदतमीजी क्यों की? क्यों ताने दिए उसे? काश काश तुम ये हमायत इमल भाभी के लिए भी करते। तुम भूल गए हो क्या? हम सबसे लड़के तुमने उनसे शादी की थी, कितनी मोहब्बत करते थे तुम उनसे। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे दूसरी शादी करूं या तीसरी, कम से कम मम्मी की रजामंदी से कर रहा हूं मैं। तुम्हारी तरह सबको नाराज करके अपना घर नहीं बसाया मैंने। मैंने एनी के साथ निकाह किया है, वो भी इज्जत के साथ, लेकिन तुम लोग अभी तक हमारे रास्ते के बीच में हो। लेकिन शहरयार प्लीज इमल भाभी का सोचो, तुम्हारी इस शादी के बाद उन पे क्या गुजरेगी? मोहब्बत करते थे तुम इनसे। मोहब्बत है, इसीलिए मैं उसे तलाक नहीं दे रहा हूं। ये ताल्लुक अभी तक बरकरार रखा हुआ है मैंने इसी वजह से। क्यों नहीं समझ आती तुम लोगों को यह बात? बहुत एहसान है तुम्हारा कि ये ताल्लुक तुमने अभी तक बरकरार रखा, वरना मैं तो मर जाती। लेकिन याद रखना, तुम दूसरी शादी करके कभी खुश नहीं रहोगे। जुबान तो देखो इस लड़की की कैसे चलती है। क्या तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों लड़कियों की? उठते बैठते मेरी बेटी को ताने देते हो, उठते बैठते उसे बद्दुआएं देते हो। खबरदार खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाबाश शहरयार, तुम्हारी आंखों के सामने वो मेरी माँ की बेइज्जती करके गई है, तुम चुपचाप खड़े हो। ये इज्जत है मेरी माँ की? बहुत हो गया अफान, मम्मी के इस फैसले से सब राजी है सिवाय तुम्हारे। ये शादी तो मैं करके रहूंगा, और अगर तुमने कोई और रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं अमल को तलाक दे दूंगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और एनी होगे। याद रखना,